कोरबा में भू विस्थापितों के अधिकार से किया खिलवाड़, कर्मचारी सहित 17 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज। कोरबा की एक अदालत के द्वारा पिछले महीने आदेश देने के बाद अब जाकर सीएसईबी पुलिस ने फर्जी तरीके से एसईसीएल में नौकरी करने वाले कर्मचारी सहित 16 और लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, लेकिन अगली कार्रवाई के लिए पुलिस को और समय की जरूरत है। इसके बारे में प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है। काफी समय गुजरने के बाद अंततः कोरबा में सीएसईबी पुलिस चौकी को कूट रचना के साथ नौकरी हथियाने वाले एक कर्मचारी और इस मामले में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले कुल 17 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करना ही पड़ा। इस मामले में एक कर्मचारी एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की ढेलवाडी खदान में जनरल मजदूर के तौर पर काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार कोरबा के मानस नगर में रहने वाले प्रेमलाल साहू की जमीन कोयला कंपनी के द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसके बदले में उसे नौकरी दी जानी थी, लेकिन शातिर लोगों ने अपने तौर तरीके से इस मामले में खेल कर दिया। पुलिस ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये प्रार्थी प्रेमलाल साहू मानस नगर सीएसबी चौकी का रहने वाला है। इसने माननीय न्यायालय में परिवाद लगाया था। माननीय न्यायालय के आदेश पर इसमें अपराध क्रमांक 353/22 धारा 420/34 कायम की गई है। अभी विवेचना में लिया जाकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें 17 आरोपी हैं। प्रार्थी से कागजात की मांग की गई है, उसके बाद आरोपियों को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहले हम सबूत के हिसाब से कागज इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आरोपियों को नोटिस तामील कर आगे कार्रवाई उचित जो बनता है वो किया जाएगा। अगर अग्रिम जमानत के लिए अभी तक इनके तरफ से कोई प्रयास अभी तक मेरे हिसाब से नहीं की गई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।